जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने अभय चौटाला पर तीखा हमला बोला और कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलना होता है, वे बोले बगैर नहीं रह सकते। वहीं नैना चौटाला ने महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी को किस तरीके से पार्टी में बढ़ाया जाए इसका पाठ भी पढ़ाया। एसीटी शराब गड़बड़ी को लेकर इस समय चर्चा जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि किसी के कहने से व्यवस्था नहीं चलती है। इस पर जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने दुष्यंत का बचाव करते हुए कहा कि दुष्यंत अपनी जगह सही है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री और अनिल विज भी ठीक हों, दोनों का अपने विभाग का मामला है जिस पर वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नैना चौटाला ने उस बयान पर ओम प्रकाश चौटाला का बचाव किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला दिग्विजय उन्हें छोड़कर चले गए थे और ना ही अब दादा मानते हैं। इस पर नैना चौटाला ने कहा कि वो बच्चों को चाहे डंडे मारें या गालियां दें, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। वहीं अभय चौटाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलना होता है, वो बगैर मतलब के बोलते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी के घर कोई खाने पीने थोड़ी आता है। अरे भाई, ये तो आपका प्यार और आपकी मेहमान नवाजी है जो खींच लाती है। एसीबी रॉयल इलायची चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। हम महिलाओं से हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और पूरे हरियाणा में मुझे लगता है एक पहला जननायक जनता पार्टी का ऐसा प्रोग्राम था जिसमें स्टेज पर सिर्फ महिलाएं बैठती थी। तो पार्टी का बहुत, मैं तो कहती हूँ ये 2 साल हो गए हम ये प्रोग्राम करते करते। अब हम दोबारा जो है कोरोना, 4 महीने जो कोरोना का पीरियड था उसमें हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल पाए थे, अब दोबारा ये सिलसिला शुरू किया है कि हम महिलाओं के बीच में जाएं, क्योंकि महिलाओं ने बहुत मदद की थी मेरी, मेरा बहुत साथ दिया था। अब मेरी ड्यूटीज बनती है कि मैं उनके बीच में आके उनका काम करूँ, जो जेन्युइन उनके छोटे छोटे काम है वो नहीं हो पाते, तो मैं हर जिले में जा रही हूँ और जहाँ तक मेरी मतलब पहुँच है मैं उनके काम करवा रही हूँ। आपकी पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी है। जी, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस एसीटी पर सवाल उठाए जो शराब गड़बड़ी को लेकर बनाई गई थी। आज मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में कहा है कि किसी के बोलने से व्यवस्था नहीं चलती है, जो आरोप पाए गए हैं जिनके खिलाफ उनके खिलाफ जाँच होगी, तो तल्खी दोनों के बीच नजर आ रही है। नहीं, ऐसी कोई तल्खी नहीं है, अपने अपने डिपार्टमेंट का मसला है। तो देखो, दुष्यंत अपनी जगह सही है, हो सकता है वो लोग अपनी जगह सही हो, तो ये काम तो दुष्यंत, अनिल विज जी और मुख्यमंत्री जी का है, इसका जवाब वो ही आपको बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात ये भी कही थी कि 15 FIR मेरे आबकारी मंत्री बनने से पहले दर्ज हो गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ ड्राइवर तक जांच रखी, तो क्या गृह मंत्री अच्छे तरीके से जांच नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, मैं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, दुष्यंत का काम है, अगर मेरा होता तो मैं जवाब देती, ये दुष्यंत का डिपार्टमेंट है, दुष्यंत ही इसका जवाब देगा। पिछले दिनों ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बयान आया था कि मेरे को तो उन्होंने दादा मानना छोड़ दिया और राम कुमार गौतम को दादा माना, वो भी उन्हें छोड़ कर चले गए। मैं पिताजी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, मैंने पीछे भी कभी नहीं कहा जब हमारी पार्टी टूटी थी, और अब तो मैं बिल्कुल मतलब नहीं, वो मेरे पिता है, मैं कुछ नहीं कहूंगी उनके लिए, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो बच्चों को गालियां निकाले, चाहे वो डंडे मारे, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी। बड़ौदा चुनाव को, उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों पार्टियां लगी हुई हैं जोर आजमाइश में, कौन सी पार्टी को टिकट मिलेगी आपको लगता है? देखो, ये तो संगठन जो है वो तय करेगा कि कौन सी पार्टी को टिकट मिलेगी, बाकी मेहनत करना हर पार्टी का कर्तव्य है, हर पार्टी के वर्कर्स हैं वहाँ, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो मेहनत करना तो हमारा काम है, इसलिए जाएंगे, मेहनत करेंगे, वर्करों से मिलेंगे। एक आखिरी सवाल, अभय चौटाला का एक बयान आया था कि जो बीजेपी है, जेजेपी है और कांग्रेस, तीनों मिलकर काम कर रही है, यानी कि ABC तीनों आपस में पार्टियां हैं, उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि जब पहले वो ये कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे हैं, ठीक है, अब जननायक जनता पार्टी बन गई तो उनको उनके साथ, कुछ लोगों का काम शायद बोलना होता है, बोले बगैर रहा नहीं जाता, तो उनका काम बोलना है।